हम लोग जो पढ़ रहे थे मेट्रोलॉजी के ऊपर पढ़ा जा रहा है, जो पिछला वाला स्पिन दिख रहा है तो देखिए हम लोग का जो टॉपिक था इसमें ये था कि कितने तरीके के हवाएं जो थी बह रही हैं, ठंडी या गर्म, हल्की और सस्पेंडेड सॉलिड्स दोनों तरीके की। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स वाली जो हवा होती है और कैसा ट्रीटमेंट होता है ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप के हवा में कुछ ऐसी मिलावट जो शरीर में मतलब माइक्रो में जा कर के बैठ जाते हैं, जिससे जिसकी उसकी खुद की मास होती है और वो मास जो है काफ़ी इफेक्चुअल होता है। तो अब जो हम लोग मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेट्रोलॉजी में बस हमें यही जानना रहता है कि उसका टेम्परेचर, उसकी खुद की हीट, जिस तरीके का मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें गई है, आप डे के हिसाब से निकाल सकते हो, आप डे के हिसाब से इसकी चाल चल सकते हो कि कब कैसे बन रहा है, आपकी जो अपनी खुद की जो डाटा है उस डाटा पे काम आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता हो चुकी हैं। नीचे वाले में एक जो पैरामीटर हम बनाएंगे वो डे के हिसाब से चलेगा। अब ये डे आप डिसाइड कर सकते हो कि मंथली ले रहे हो या ईयरली ले रहे हो और ग्राफ कैसा डिज़ाइन कर रहे हो और एयर इंडेक्स वहाँ का क्या है और किस तरीके से हो रहा है। एयर इंडेक्स के लिए आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने बता दिया था। अब जो था मैं बता रहा था कि टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर का गिरावट जो हमारे पास देखो होता क्या है कि नीचे वार्म होता है ऊपर कूल होता है। अगर बात करें तो जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको हाईलाइट हो रहा है वो देखो क्या है, ऊपर वार्म है नीचे कूल है, ठीक। लेकिन होता क्या है कि नीचे वार्म रहता है और ऊपर क्या रहता है, कूल होता है। तो ये जब टेम्परेचर बदल जाता है, जैसे दिन में क्या रहेगा तो नीचे गर्मी रहेगी, क्योंकि जब सन की अगर ये सूरज है, ठीक, अगर ये सन का रे अगर यहाँ से निकल रहा है और ये हमारा अर्थ सरफेस है तो क्या होगा कि इसकी रे यहाँ पे ऐसे आएंगी और इस पर पड़ेंगी, तो जो ये है कोई भी मैटर होता है क्या होता है कि उसको एब्जॉर्ब करता है। तो क्या किया जाएगा, इसके द्वारा जो गर्मी होती है जो सन के रे से निकलती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए तो इसका सतह ऑलरेडी हीट हो जाता है। जैसे घरों के छत का बात मैं करूँ तो क्या होता है, छत अपने आप गर्म हो जाता है। उसी तरीके से क्या होती है, जो हमारी सतह होती है सुबह के टाइम में शाम तक वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है और इसके ऊपर हमारा क्या होता है, कूल होता है। ये तो तुम जान रहे हो क्योंकि मेसोस्फीयर ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। अब क्या होता है, रात के टाइम में ये पलट जाता है। क्या होता है कि जब चंद्रमा की रोशनी जब पड़ती है सतह पर वो ऑलरेडी ठंडा रहता है, तो उससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन लाइट हमको मिलता है, तो उससे हमारा जो सतह होता है अर्थ का, ये सतह है, ठीक, तो जो इस पे सन के बजाय अब मून की जो रे पड़ती है वो ऑलरेडी, ये तो जो इसके पास गर्मी रहता है वो ऊपर की तरफ पड़ता है, ठीक है, हवा में ऐसे जाएगा, यहाँ से इसकी गर्मी क्या करेगा, वो मैटर अपना हीट जो सोखा रहता है वो अपने आप को छोड़ेगा, अपने आप को ठंडा करता है। जैसे ठीक उसी प्रकार से घरों का छत दिन में काफ़ी गर्म रहता है कि पैर रखो तो पाँव जल जाए, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि रात होते होते वो क्या होता है कि ठंडा हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, हाँ, जो आपको ये एक मिनट रुकिएगा। यस सर। हाँ, तो फिर क्या होता है कि ये जो सतह आपको मिलता है वो ठंडी हो जाती है। तो यही जो टेम्परेचर का बदल जाना इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। आगे जो बढ़ रहे हैं हम, आप ये देखेंगे ये चीज़ें कुछ मैंने पहले से बता रखी थी तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसमें क्या था कि जैसे जो टेम्परेचर है आपको ये समझना पड़ेगा इन्वर्जन में क्या क्या है। तो देखो सिंकिंग होता है एयर का, एसोसिएट करेगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम प्लेस को या अपने ड्यूरेशन को, यहाँ के इंडस्ट्रियल है या नॉर्मल टाउनशिप है या विलेज है, उस तरीके से आपको ये दिखाएगा। दूसरी चीज़ है क्या है कि डे टाइम आपका मिक्सिंग होता रहता है और ये डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर। अब डेप्थ का केस क्या है यहाँ पे
मैंने तुमको बताया था कि अनइक्वल हीट के बारे में, शुरू में ही बताया था अनइक्वल हीट क्या है, कि अगर सन से ये निकलने वाली जो रे है और अगर ये हिली एरिया है, ठीक। और दिल्ली क्या है, अगर तुम मैप में देखोगे जो हमारे पास ग्लोब है, अगर मान लो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है ना, तो अगर दिल्ली यहाँ है तो लखनऊ यहाँ होगा, गोरखपुर यहाँ होगा, तो देवरिया यहाँ होगा, तो अगर ये सन अपने जगह तो फिक्स है। ये क्या हो रहा है, ये क्या, ये ना चक्कर खा रहा है, पृथ्वी ना चक्कर खाएगा अपने एक्सिस पर। तो होता क्या है कि इस पे जो पड़ने वाले हीट है, पहले तो यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे पड़ने वाला इसका हीट अलग होता है और यहाँ पे पड़ने वाला हीट क्या है, इसका अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे बाकी जगहों का पड़ता है, जैसे मार्स की अगर बात करें हम, तो सन के काफी नियरेस्ट है इसलिए वो लाल ग्रह है, ठीक है। जो और मरकरी की बात करें तो वहां पे जीवन क्या है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हीट से क्या होता है, जल करके सब भस्म हो जाता है गर्मी से ही कंटिन्यूसली। तो सरवाइव करने के लिए जो अर्थ है हमारा, क्योंकि हम लोग सभी लोग सरवाइव कर सकते हैं, जीवन को फलने फूलने वाली चीज है, तो इस जोन को हैबिटेबल जोन कहा जाता है, ठीक है, हैबिटेबल जोन कहा जाता है। एक मिनट, हाँ बताओ। तो जा करके मिल लो ना, मैं क्लास ले रहा हूँ, दीपक सर से जाकर मिल लो। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या बता रहा था, डेप्थ के बारे में। तो अलग अलग तरीके से आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो अर्थ से पलने फूलने वाले जो जगह होती है, जिस लाइन होती है, उस लाइन को हम कहते हैं हैबिटेबल लाइन, हैबिटेबल लाइन। और जिस जोन में हम लोग रहते हैं उसको कहते हैं हैबिटेबल जोन। इस जोन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जीवन का होना संभव है, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जीवन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो ये वहाँ का क्या देखा जाता है, ये हम लोग वहाँ का मेट्रोलॉजी देखते हैं, पूरा पूरा क्या देखते हैं, मेट्रोलॉजी देखते हैं। मेट्रोलॉजी में आपको क्या देखा जाता है कि जीवन वहाँ पे संभव है कि नहीं संभव है। तो जिस प्रकार से सूरज का उष्मा से या उसके तापमान से जो भी रे आ रही है और जो इफेक्ट हो रहा है, तो उस चीज को हम हैबिटेबल जोन कहते हैं, लेकिन आ तो रहा है मेट्रोलॉजी के स्तर पे। ठीक उसी प्रकार से पानी की भी हमें जरूरत पड़ रही है, तो अलग अलग ऊंचाई, अलग अलग गहराई, अलग अलग पानी। उसके बाद ही अर्थ सरफेस की बात करें तो दो लेयर मिलते हैं जमीन के अंदर, एक होता है प्रीवियस लेयर होता है, दूसरा होता है इम्प्रीवियस लेयर होता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं पारगम्य और अपारगम्य। उसमें क्या होता है कि एक इक्विफर में पानी जमा होता है और एक इक्विफर में पानी जमा नहीं होता है। जैसे आपका आप देखे होंगे, बेसिकली अगर मैं ठेठ भाषा में उदाहरण दूं, तो अगर ये आपका अर्थ सरफेस है और यहाँ पे नल गाड़ा जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे नल गाड़ा जा रहा है, तो जो इसकी पाइपलाइन होती है, तो देखोगे कि एक पाइपलाइन जो बिछ रहा है वो एकदम पूरा ऐसे ही रहता है, ठीक है, और एक पाइपलाइन जो बिछता है वो उसके अंदर छिद्र होता है, ठीक है, गोला गोला होता है। तो वो क्या करता है कि वो पानी को यहीं से अंदर ले आता है, क्योंकि इसमें खाली तुम्हारे पास रॉ मटेरियल होता है, यहाँ पे पानी नहीं मिलता है, इसलिए इसको छिद्र करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी तो आपका मेट्रोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो ओवरऑल हम एयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ की मेट्रोलॉजी की बात करेंगे तो हम जितना भी बात करेंगे उस एयर से जुड़े हुए सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे बादलों का बनना और बारिश होना, पानी का स्टोर होना, उस पानी पे जो बादलों जो धुआं है जो गैस है उससे क्या रिएक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में विवेचना करना, बादलों के होने से टेम्परेचर का घटना बढ़ना, क्योंकि देखो बादल भी अफेक्ट करते हैं, जैसे सूर्य से आने वाली अगर किरणें हैं और बहुत सारे बादल हैं, जगह दूर मत जाओ, आंधी तूफान जब भी आते हैं तो देखते क्या हो कि एक मोटा ब्लैक कलर का लेयर आपके ऊपर एटमॉस्फेयर में बन जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं। अब सोचो जब विंड चलती है अपने पोजिशन से, जब विंड चलती है अपने पोजीशन से, तो उसमें होता क्या है कि आपका जो है सारा सिनेरियो उसी में साइकिल होते रहता है, गर्दा का उठना, मिट्टी का एक जगह से कट करके दूसरे जगह पर जाना। तो अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो वहाँ की अगर सॉइल है तो वहाँ की भी सॉइल के अंदर जो उसने अब्जॉर्ब किया है, जो उसके ऊपर तापमान पड़ा है, कई सारे वर्क हुए हैं,
तो वो एब्जॉर्ब करके हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। ठीक, बारिश होता है तो कुछ देखते हो कि मिट्टी की रोड़ी बन जाती है, तो वो मिट्टी की रोड़ी जैसे क्या है कि हनीबक्स बन रहा है कि क्या बन रहा है, ये सारी चीजों को हमको पढ़ना होता है। लेकिन हमारा टॉपिक एयर से है, तो एयर का तो भाई सॉइल पे भी प्रभाव पड़ेगा और वाटर पे भी प्रभाव पड़ेगा। एयर में जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं, और इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ करके जो बताते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसी का हम क्या कहते हैं, एयर मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें भी तीन चीज़ें आ जाती हैं। देखो, कोई भी चीज़ होती है वो तीन चीज़ का ही रिजल्ट देता है एनालिसिस करने के लिए। पहला क्या होता है, जैसे उदाहरण दें तो ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रल हो गया यानी जीरो हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से इन तीनों का मतलब क्या है कि एक आपको रिएक्शन करने के लिए चाहिए, और जिससे एक रिएक्शन करने के लिए चाहिए, और दूसरा क्या है जिससे आपका रिएक्शन हो जाए, और होने के बाद अगर वो बैलेंसिंग के फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो अनबैलेंसिंग के फॉर्म में बनना है। तो यही चीजें होती हैं। तो जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, दो केसेस में बनते हैं, एक स्टेबिलिटी का बनता है, एक अनस्टेबिलिटी की बनता है, और ये दोनों इफेक्चुअल होते हैं। किस तरह से इफेक्चुअल होते हैं, क्योंकि आपके पास दो लाइनें होती हैं। अगर बात करें तो अगर इक्वेटर तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, सीधा सीधा आप समझ लो कि आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक आपके पास वर्टिकल लाइन है। मतलब एक खड़ा, मतलब ये हो गया आपका, अगर मैं बात करूँ तो एक वर्टिकल लाइन ये हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन ये हो जाएगा। तो कहने को क्या है कि यहाँ से भी तो टेम्परेचर का जो पड़ रहा है, इसके ऊपर गिर रहा है, वो भी अफेक्ट है, और जो गैस इमिशन हो रहा है या जो ये अर्थ सरफेस अपना छोड़ रहा है, एक तो ये हो गया, तो क्या हो रहा है कि ये ऐसे आके ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। तो इसी में केस आता है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो इसकी खुद की जो हीट होती है या खुद का होता है स्टेबिलिटी में, ठीक है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? किसी से रिएक्शन नहीं करता है, वो खुद का हीट है। जैसे होता क्या है कि गर्मियों में जब तुम लकड़ियों को जलाते हो, गर्मियों में लकड़ियों को चलाते हो, तो ये अगर लकड़ी का बंडल अगर जल रहा है, ये तो यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन इसके चारों ओर क्या रहेगा, गर्मी आ जाएगा। ये तपन किससे है, इसके धुएं से है या इसके जलने से, जो एयर से रिएक्शन हो रहा उससे है? तो देखो, कुछ क्या करता है, इसका पार्टिकल्स जो हीट होता है वो उस जगह में क्या करता है, अपने आप को रोटेट करता है इस तरीके से, ठीक है, और जो इसके जो मैटर्स तुम जला रहे हो उसका जो धुआं, उसका जो खुद का पर्सनल हीट है उसमें, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है जल्दी, वो खुद ही ऊपर जा करके ठंडा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फॉसिल फ्यूल को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो बैलेंस तो हो जाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बैलेंस हो पाता है। प्लस डिटोरेशन या डिफॉरेस्टिंग ऑफ ट्री, पेड़ों को काट देना, तो वो उसके रिएक्शन को नहीं ले पाता। तो उसमें जो स्केल हम लोग पैरामीटर जो बनाते हैं, पहला क्या होता है, पॉजिटिव स्टेबिलिटी होती है, दूसरा न्यूट्रल स्टेबिलिटी होती है, तीसरा क्या होता है, निगेटिव स्टेबिलिटी होती है। इसमें भी अनस्टेबिलिटी में सेम यही चीज होता है, पॉजिटिव अनस्टेबिलिटी, न्यूट्रल अनस्टेबिलिटी और निगेटिव अनस्टेबिलिटी। ये चीजें होता है। तो अब आपको देखना क्या है यहाँ पे कि कैसे एक दूसरे को डिस्प्लेस्ड किया जाता है। डिस्प्लेस्ड यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ वर्टिकली डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। तो वर्टिकली डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है, सेंस समझना जरा सा। हमने क्या कहा कि सभी जीवधारी इको, देखो इको सिस्टम हमारा क्या कहता है, सभी जीवधारी एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, इसी को इको कहते हैं, इको सिस्टम, ठीक है। मतलब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, चाहे वो शाकाहारी हो या वो मांसाहारी हो। तो सेम यही उसकी एक साइकिल चेन है, जिससे जैसे तुमने फूड चेन पढ़ा था, फूड चेन इको सिस्टम बचपन में, ठीक इसी तरीके से इनका भी एक चैन होता। होता क्या है कि सन के द्वारा जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये इमिशन करता है, तो क्या हो रहा है कि ये जब ऊपर बढ़ रहा है और जो इसके द्वारा एक और दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो जो ऊपर उठ गया तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, इसकी जगह ये लेगा, तो उसकी जगह को ले लेना ही वर्टिकली डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक। अब
अब ऊपर से कि अगर मान लो किसी एक सर्टेन पॉइंट पे आ रहा वो रे गिर रहा है, तो रे गिरा एब्जॉर्ब हुआ कुछ टाइम रहा फिर ये ऊपर गया, तो ये भी तो जगह खाली होगा ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन किसको रेफरेंस पॉइंट माने, जब तुम माने वर्टिकल प्लेन को रेफरेंस माने तो हॉरिजेंटल पे तुमको वर्क दिखाएगा। अब तुम हॉरिजेंटल को जब रेफरेंस मानोगे तो वर्टिकल पे तुमको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब जब तुम यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ बदलेगा, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो अगर जब तक चलने लायक है तुम्हारा उसके एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू अगर चलता रहा तो सही है, तो वो तुम्हारे पॉजिटिव में है। जैसे वहाँ पे गांव की बात करें, नंबर ऑफ व्हीकल्स कम होते हैं, वहाँ की संसाधनें कम होती हैं, इसलिए हेल्दी नेचर वहाँ पे रहता है, ग्रीन सेशन सारे वहाँ पे रहते हैं, ग्रीन सेशन अपना वो चलता रहता है प्राकृतिक के द्वारा ठीक है, तो वो उसको रिटर्न करता रहता है, वो अपना साइकिल अपना कंप्लीट करता है। लेकिन शहरों की बात करें, टाउनशिप्स की या इंडस्ट्रियल का, तो पेड़ों की कटाई छटाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो उस चीज़ को अच्छे से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो वो क्या होता है वो निगेटिव दे देता है ठीक। अब क्या होता है न्यूट्रल स्टेबिलिटी, न्यूट्रल स्टेबिलिटी में क्या है कि चलो ठीक है, कुछ हाँ में भी है कुछ ना में भी है, कटाई छटाई दोनों बीच में चल रहा है, तो ये बात हो रही थी किसके रेफरेंस में, बात हो रही थी तुम्हारा एयर के पार्टिकुलेट्स मैटर को लेकर के। सेम चीजें ये स्टेबिलिटी हीट के भी अंदर आपको मिलेगा। क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज मत होना पेपर में, क्योंकि स्टेबिलिटी हीट से भी पूछ सकता है। अगर खाली केवल स्टेबिलिटी लिख के आ रहा है तो तुम एयर को भी लेकर चलना और हीट को भी लेकर चलना, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में है। अब तुम इसमें दिखाओगे कि स्टेबिलिटी हीट में कैसा है, तो जो धुएं का मैंने अभी कुछ देर पहले उदाहरण दिया था लकड़ी को जलाने से, वो आला हो गया। अब अनस्टेबिलिटी का केस क्या होता है कि देखो, जब हम तुम लकड़ी को जला रहे थे तो जिससे उष्मा निकल करके तुम्हारे हवा में चारों ओर फैल जा रही थी और बाकियों को सतह जितना उसका कवरेज एरिया था, कुछ तो कवरेज एरिया होगा कोई चीज़ जलाओगे तो जो उसका कवरेज एरिया था वो क्या कर रहा था, गर्म था, तो उसको कहते हैं अनस्टेबल। वो अनस्टेबल नहीं है, वो कभी भी रिएक्शन कर रहा है, वो हीट को अपने आप से एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ हाईलाइटेड है कि अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई पॉल्यूशंस ठीक है, तो पॉजिटिव रिटर्न के लिए अगर दे रहा है तो ठीक है, डिक्रीज करने के लिए ठीक। और क्या है कि मॉडरेट है, मध्यम में है तो चलेगा। दूसरा क्या है इसमें, क्या है निगेटिव में लो पॉल्यूशन होता है ठीक। तो अलग अलग पैरामीटर है जो तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सर कब कब होता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ले सके, क्या चीज क्या होता है सर, ये स्टेबिलिटी कंडीशंस कब कब अप्लाई होती हैं, कहां पे जैसे कब? देखो ये नेचर में अभी भी चल रहा है, कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। और ये हर वक्त जब से पृथ्वी है तब से ये चीजें चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम लोग क्या है, अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए चीज़ों को हम इन्वेंट करे जाते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं उसके बारे में विवेचना नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि जो नेचर द्वारा हीट दिया जा रहा है, क्लियर है, तो वो तो रिसाइकिल हो गया, लेकिन जो हम लोग व्हीकल्स लेकर के चल रहे हैं, जैसे BS4 से डायरेक्ट हम जंप कर रहे हैं BS6 की गाड़ी पे ठीक है, एक मिनट, हाँ बताओ। हाँ, सुनो, सभी का फोटो खींच लेना ठीक है ना, हाँ सारा खींच लेना, और कितने कितने mm का सरिया है वो भी सारा सरिया जो है उसको देख लेना ठीक है। अरे हम क्लास ले रहे हैं बाबू, क्लास ले रहे हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ये नेचर में ये अपना चलता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हम इसको रोक सकते हैं। हमने क्या कहा, हमारे पास आवर्त सारणी है, उन सारणियों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि भाई कुछ ऐसे गैसे जिनका हमने खोज कर लिया तो हमें पता है, और कुछ ऐसे गैसेस ऐसे भी हैं जिनके बारे में वो हैं लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन जो हम जंप करके आ रहे हैं, जैसे BS4 से BS6 की तरफ आए हैं, तो कुछ हद तक पॉल्यूशन को रेटिंग तो हम कम दे रहे हैं ना, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि अभी भी हम नहीं खत्म कर दिए, क्योंकि
हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल। सभी फसाद का जड़ क्या है, फॉसिल फ्यूल। हमारे पास जो पृथ्वी है उसका भी खुद का पर्सनल हीट है, उस हीट से हम क्या जाने हैं कि जो उसका खुद का हीट है वो भी तो इमिट कर रहा है अंदर से। पृथ्वी के अंदर क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अगर बात करें तो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट, वो गर्म होती हैं। उनको कुछ लोग इस नाम से जानते हैं कि पिघला हुआ लावा है पृथ्वी के अंदर। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जब तक सही काम करती रहती हैं, जब तक टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में लड़ना या एक दूसरे से सतह से फट करके अलग हो जाना, जब तक ये क्रिया नहीं होती है तब तक भूकंप का नहीं उजागर होता है। इसीलिए हर एक एरिया जोन को हिली एरिया जोन से लगाएं और पूरा नॉर्मल दूर तक कि इसकी स्टेशन डिस्टेंस देखते हुए 5 ग्रेडों में बांटा गया है। उनका नाम M1, M2, M3, M4 और M5 है। सबसे कठिन वाला जो जोन होता है उसको हम M5 के नाम से जानते हैं और नॉर्मल जो होता है वो M1 के नाम से जाना जाता है। दिल्ली एक ऊपरी है हिस्सा, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है पहाड़ी एरिया मिलेगा तुमको, इसीलिए चंडीगढ़ जस्ट बगल में है, तो वहाँ पे भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो ये एक स्टेबिलिटी है जो नेचर का है। आप पढ़ रहे हो क्या, आप देखो मैं सभी चीजें मेट्रोलॉजी में तो आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन कोर्स में केवल आपका एयर और हीट से है, इसलिए ये विवेचना कर रहा। मेट्रोलॉजी का मतलब यही होता है कि मैंने क्या बोला कि जहाँ पे जीवन संभव हो सके उसको हम हैबिटेबल जोन कहते हैं, ठीक है। अब उस हैबिटेबल जोन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, एक बेसिकली आप अपने लाइफ को देख लो कि तुम्हें क्या डेली यूजेस में नीड है, व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर नेसेसिटी ऑफ थिंग, डिपेंड अपॉन योर चॉइस एंड यू हैव टू सर्वाइव ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। आप सर्वाइव कर रहे हो, आपको सर्वाइव होने के लिए किन चीजों की जरूरत है ये आप जान रहे हो। अब अगर आपको मैं कह दूं कि आप धूप में खड़े हो जाओ तो जाहिर सी बात है बीमार पड़ोगे। पहले के टाइम में क्या था कि पेड़ों के छाल बनाते थे, बांसों का यूज होता था, खटिया पे लोग सोते थे, तो वो जब खराब होता था तो उसको खेतों में फेंक दिया जाता था और वो जल करके भस्म होके सन से रिएक्शन करने के बाद वो किस में बदल जाता था, उर्वरक खाद में बदल जाता था, क्लियर। लेकिन आज के जो डेट में हम जैसे फाइबर यूज कर रहे हैं, लोहे का दिन प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, जो कि ये खत्म नहीं होने वाला है और इसी के वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो यही सारी चीजें हैं और दिक्कतें हैं जिनका हम सामना करेंगे। इसलिए रेटिंग स्टेबिलिटी की अगर बात करें हीट का, तो हीट तो कंटिन्यूसली मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि चंद्रमा से अगर हीट आ रही है तो वो चंद्रमा क्या है, वो गर्मी नहीं दे रही है, दे रही है वो भी गर्मी दे रही है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, मैंने क्या कहा रेफरेंस पॉइंट, आप कंसीडर किस चीज को कर रहे हो ये मैटर करता है। तो अगर आप सन को कंसीडर कर रहे हो और उसके कंपेयर में आप चंद्रमा को कर रहे हो तो न के बराबर हो गया ना हीट, कहाँ तुम्हारा 36 डिग्री सेल्सियस और कहाँ तुम्हारा 22-23 डिग्री सेल्सियस, बहुत सारा फर्क है। यही वो कारण है कि दिल्ली में टेम्परेचर अधिक होता है, ऊपर है तो सबसे पहले रोशनी उसके ऊपर पड़ेगा, सारा सारा वो रोशनी खा जाएगा, फिर फिल्टर हो करके बच बचाते हुए अपने पास पहुंचता है। तो ये डिस्टेंस के ऊपर भी वैरी करता है। तो मेट्रोलॉजी सिर्फ इतना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कि आप अपने केवल हीट को देखें, टेम्परेचर का, कि पॉल्यूशन से गर्मी कैसे बढ़ रही है, यही तो ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी का बढ़ जाना, ठीक है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। प्लस एयर में क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो रहा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है कहाँ, आता किन चीजों से है, फिर इंडस्ट्रियल अगर एरिया है तो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर आप बात करो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो गैसेस रिलीज हो रही हैं आज के डेट में, उनका क्या सीन बना, उनका सीन सिर्फ और यही बन रहा है कि आप सल्फर डाइऑक्साइड अगर जा रहा है आपके इंडस्ट्री से, और प्लस ये तो नॉर्मल तुम पढ़ रहे हो ना सल्फर डाइऑक्साइड, अब भाई वो किसी से भी रिएक्शन कर ले, तुम थोड़ी जान रहे, तुम तो एक इजेक्शन लेकर के चल रहे हो, वो किसी से भी रिएक्शन कर ले, तो उसमें वहाँ मैटर ये फंस रहा है कि वो तो कर ही रहा है। तो ये साइकिल क्या हो रहा कि तेजाब की वर्षा करा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो रेन वाटर होती है उसका पीएच वैल्यू कुछ और होता है। हाँ, तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है और कुछ है नहीं। बाकी स्टार्टिंग का यूनिट अगर आप ध्यान दिए रहोगे तो बाकी ये सब हवा है।
हवा की तरह आएगा, हवा की तरह चला जाएगा, बहुत लो चीज़ें हैं ये सब। आगे बढ़ते हैं कि देखो स्टेबिलिटी का अनस्टेबल का केस यहाँ पे टुंगा डायग्राम में दिख रहा है। स्टेबिलिटी का देखो और अनस्टेबिलिटी का देखो, यानी स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। ये देखो एक जैसे कोई घाटी है, तो घाटी को लहर के अगर तरफ से दिखा रहे हैं तो एक लहर जो है स्टेबल होकर के उतना ही ऊपर से ये उठ करके जा रहा है, जिसका ये है। अब यहाँ पे अनस्टेबल क्या है कि दो लहरें अगर आकर के आपस में टकराएंगी तो भैया क्या होगा, उसके मोशन में टकराव होगा, वो हट जाएगा। तो हवाओं का बहना समुद्र के पानी से ही आता है, तेज हवाओं का बहना, क्योंकि वो एक वेग होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे खतरनाक जो प्लूम होता है वो हम लोगों के लिए होता है, जो कि आगे मैं तुमको इसको अच्छे से बनाऊंगा। इन सभी चीज़ों के लिए जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं इन्फ्लुएंस डायग्राम बनाना, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस बनता है। इन्फ्लुएंस का सेंस ये होता है कि किसी भी चीज़ का बहाव, आप उस बहाव को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो। नेचर तो जो बनाया वो तो खुद ही बैलेंस कर रहा है, लेकिन हम लोगों से बैलेंस नहीं हो पाता है, तो यही दिक्कत है। मैंने ये भी बताया था कि इसके बारे में कि इन्वर्जन स्टेबिलिटी और मिक्सिंग क्या होता है, तो हवाओं का आपस में मिल जाना, ठीक, पार्टिकुलेट्स मैटर भी मिलेंगे, सल्फर वाले भी चीज़ें मिलेंगे। तो अब ये हमें पता कैसे चला कि हाँ ये गैसेस हैं। देखो होता क्या है कि आदमी नेचर में से तो पकड़ के तो लाएगा नहीं कि भाई इतने छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, तो उसके बारे में हम जानेंगे क्या, ठीक। तो होता क्या है कि जो चीज़ें हम बनाए हुए रहते हैं उसको हम रीड करते हैं, उसको हम देखते हैं कि हाँ ये कौन सा गैस है। आवर्त सारणी बन गई है, हमें नाम तो पहले बताओ ना। जैसे अगर कोई बच्चा है उसका नाम अगर हम शुभम ना रखें तो क्या शुभम शुभम हो सकता है, क्या राहुल राहुल हो सकता है। लेकिन हमने नाम रख दिया तो हाँ ये राहुल है। अब घर का बच्चा अगर राहुल है तो राहुल ने ये काम अच्छा किया, राहुल ने ये काम गलत किया, राहुल काम में लापरवाह है। तो यहाँ पे प्रेजेंस क्या हो रहा है, राहुल एब्जॉर्ब किसको कर रहे हैं, हम राहुल को कर रहे हैं। लेकिन राहुल एक बॉडी है, राहुल एक बॉडी है, समझ में आ रहा ना, राहुल एक बॉडी है जिसको हम देख रहे हैं। अब लेकिन अगर पूरे विश्व संसार की अगर बात किया जाए तो राहुल तो इन सबके सामने एक छोटा सा कण है भाई। अभी तो इस संसार में तो कण ही न रहा, क्या है किसी का, कुछ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सारी चीजें नश्वर है, ठीक है। आदमी होता है पंच तत्वों से और ये सारी चीजें होती है, फिर वो मिल जाता है। लेकिन कोई भी जीव पंच तत्वों से जिनका निर्माण हो रहा है, लेकिन जो मैटर्स हैं जिनको हम लोग बना रहे हैं वो नेचुरली नहीं बन रहे हैं। नेचुरली रहते तो वो हैबिटेट कर जाते हैं, ये अननेचुरल होता है। तो यही सारी दिक्कतें हैं। तो ये जो टेम्परेचर का घटना बढ़ना, जो कि आप पॉल्यूशन कंट्रोल में पढ़ रहे हो, केवल उसके बारे में आपको डेटा सेट दिखाना है, जिसके अंदर टेम्परेचर का गिरना बढ़ना, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी और इन लोगों का आपस में मिल जाना, ये चीज़ें। अब उससे उसकी सैलरी क्या क्या हो रही है ये तो डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे देखो रेजिडुअल लेयर बनाया गया कि ताकि रेजिडुअल लेयर वह लेयर है कि जो सतही तौर पे हमें मिल जाए, दिख जाए, ठीक है। फिर जो आने जाने का बाउंड्री लेयर देख रहे हो, ये होता है कि अपने आप से कम्युनिकेट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये अपने आप को घूमते हुए मिक्स होकर दिखा, तो उसका डाटा सेट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये लिखा हुआ सरफेस का जो बेस्ड है वो मिक्स डेप्थ है, क्लियर है ना। तो मैंने क्या बताया था, डेप्थ के ऊपर है। अब कहीं कहीं आरएल को रिड्यूस लेवल के नाम से भी जाना जाता है, ये लेवल सी लेवल से कंसिडर किया जाता है, क्लियर है। तो इसी तरीके का डाटा सेट आपको बनाना पड़ेगा और अपने हिसाब से कहीं का भी एक सर्वे ऐसे कर सकते हो, पीपीबी में भी दिखा सकते हो, या तो पार्ट्स पर मिलियन में भी दिखा सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, मिलियन हो या बिलियन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिस्पर्सन की बात करें, जो इन्वर्जन था वह डिस्पर्सन होता है, बस उसका शब्द अलग हो गया लेकिन सेंस वही है। डिस्पर्सन बात करें या इन्वर्जन की बात करें, दोनों सेम ही है, शब्द अलग है, सेंस अलग है, अरे सेंस सेम है, अलग अलग इसका है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्पर्सन का क्या है, वहाँ से हट जाना, डिस्प्लेस का ही मतलब हुआ डिस्पर्सन। तो अब देखो ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू है। अब तुमको तीनों केस पता है, स्टेबल अनस्टेबल, ये लगा दो इसमें। उसमें कौन कौन सा आ रहा है, देखो लैंड एरिया आ गया, माउंटेन या वैली घाटी आ गया, फोर्स्ड एरिया हो गया, साइकिल जोन हो गया जहाँ पे अपने आप साइकिल चलाते, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो क्या सरफेस वर्सेस बाउंड्री लेयर,
तो इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि अब तो टाइम ओवर हो रहा है। तो बाकी जो डाउट हो तो तुम लोग हमसे फोन करके भी फोन पूछ लिया करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आप इसको समझ सकते हैं और आराम से ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। किसी भी डाउट के लिए आप हमसे पूछ लिया करो, मन में कोई वहम ना रहे आपके, ताकि ये रहे कि सारी चीज़ें सही हो। ठीक है, तो चलते हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप बता दें।